मुंबई में कांदिवली पूर्व के लोखंड वाला सर्कल पर स्थित हेवेंस कैफे पार्टी हॉल में मानव विकास संस्था द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कोरोना काल में जनहित में कार्य करने वाले कोरोना योद्धाओं को कोरोना कर्म योद्धा सम्मान दिया गया। इस अवसर पर हास्य कलाकार सुनील पाल, भारतीय फिल्म सेंसर बोर्ड सदस्य गौरी शंकर चौबे, अभिनेता अमरीश सिंह, अभिनेत्री प्रियांशु सिंह, कलाकार कल्याण जाना, संपादक व कामगार मराठा नेता अभिजीत राणे, तमाम पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में मानव विकास संस्था द्वारा निर्मित दिनदर्शिका 2021 का विमोचन मुंबई कांग्रेस सचिव संदीप व भारतीय फिल्म सेंसर बोर्ड सदस्य गौरी शंकर चौबे के कर कमलों द्वारा हुआ। बहुत बहुत बधाई आपको मानव विकास संस्था की ओर से दिग्गज और सक्सेसफुल अवार्ड सेरेमनी आपने किया यहाँ पे। तमाम दिग्गज दिग्गज लोग आए आपको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पे। क्या कुछ कहना चाहोगे आज इस अवसर पर, कितनी खुशी हो रही है और लोगों का रिएक्शन कैसा रहा, सपोर्ट कैसा रहा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जितेंद्र जी से पहले जाते हैं। सभी मीडिया कर्मी, सभी पत्रकार बंधुओं को मैं हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों का आभारी हूँ, खास करके आप लोगों ने हमारे लिए समय निकाला आज यहाँ पे, हमें समय दिया, खास करके आभारी है। हमारी मानव विकास संस्था पिछले करीब 7 सालों से हर तरह से समाज में सामाजिक कार्य कर रही है। बच्चों के लिए भी टैलेंट शो का आयोजन करती हैं, तरह तरह के कार्यक्रम करती रहती हैं। जब से देश में कोरोना काल चालू हुआ है तब से हमारी संस्था की महिलाएँ ज़्यादा, सभी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, ज़्यादा करके महिलाएं ने हिस्सा लिया है। जो महिलाएं 20-20 किलो का, 25 किलो का सैनिटाइजर लेके गली गली में चैलेंज भी आए होंगे, चैलेंजेस भी आए होंगे और कोरोना कॉल के प्रोटोकॉल को भी मेंटेन करना है आप लोगों को, बड़ी जवाबदारी थी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद, क्योंकि आज का इस कार्यक्रम सफल होने में सबसे बड़ा योगदान मीडिया का था, तो आप सभी का शुक्रिया कि आप लोग इस सिचुएशन में भी हमारे साथ जुड़े। और रही बात चैलेंजेस की और प्रोग्राम की, तो प्रोग्राम का जैसा कि जितेंद्र शर्मा जी ने बताया कि हमारा जो उद्देश्य था वो कोरोना काल में जिन्होंने भी अच्छे काम किए, अभी जैसे बड़े नाम होते हैं तो बड़े नाम सोनू सूद, इन्होंने ये किया, वो मीडिया में फेमस हो गए, बड़े बड़े चैनलों पे आ गए, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो हिडन सोशल वर्क कर रहे थे, सामाजिक कार्य कर रहे थे, निस्वार्थ भाव से कर रहे थे। तो हमारी चाहत है कि हम उन लोगों को प्रमोट करें, तो जो हमारे इस एरिया में, हमारे इस लोकल लोकेशन पे जिन्होंने कोरोना काल में लोगों के घर अनाज बांटे, कुछ लोगों ने मास्क बांटे, सैनिटाइज़र बांटे, कुछ लोगों ने अपने पर्सनल इनकम से, पर्सनल पैसों से लोगों के घर अनाज के पैकेट्स बना बना के देना, तो उन सभी को सम्मान मिलना चाहिए, उन सभी को प्रोत्साहन मिलना चाहिए, अप्रिसिएशन मिलना चाहिए। ये कहा जाता है अगर आपको आपके काम के प्रति अप्रिसिएशन मिलता है तो आप उस काम को और आगे। हाँ, मैं सबसे पहले शुभकामना दूंगा कि बहुत ही अच्छा इन्होंने कदम उठाया, जो कि मानव विकास संस्था में कई सालों से इनके प्रोग्राम में आता हूं, तो इन्होंने जो ये सम्मान दिया है और साथ में जो कोरोना योद्धाओं के प्रोत्साहन बढ़ाया है, मैं उनके लिए मानव विकास संस्था को लाख लाख बधाई देता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। मतलब होने के बावजूद भी कोरोना को छोड़ा नहीं और पिटाई कर दी, तो मुझे लगता है कि बहुत हो चुका दुनिया में तेरा रोना धोना, चाइनीज वायरस ने एम्प्टी कर दिया कोना कोना, गो कोरोना गो बैक कोरोना, गो कोरोना गो बैक कोरोना। लेकिन कोरोना इतना कमबख्त है, खुद तो जान ही रहा है, 2.0 भी आ गया, 20-20 में और एक 20 आ गया, 2.0। मैं इस कोरोना से ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी नीयत कितनी बुरी हो, देश में खासकर भारत में तुम्हारे कुछ नहीं चलने वाली, यकीन नहीं आता, तो नेताओं की रैली उठाकर देखो, नो सोशल डिस्टेंसिंग, नो मास्क, यकीन नहीं आता तो ट्रेनों में भीड़भाड़ देख लो, बसों में भीड़भाड़ देख लो, तुम किसी को हो रही हो। मैं सबसे पहले तो मानव विकास संस्था को बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आज कोरोना काल में जितने लोगों ने मेहनत किया था, काफ़ी लोगों ने मेहनत किया है, जो कुछ अनाज के माध्यम से, कुछ लोगों को गांव भेजने के माध्यम से, लेकिन जिन्होंने अपने जीवन में इतना रिस्क लेके काम किया है, उन्हें सम्मानित करना बहुत बड़ा काम है। मैं सम्मान का श्रेणी देख रहा हूँ आज कोलाबा से लेके अगर आप विरार तक देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये फंक्शन चल रहा है, लेकिन जो मानव विकास ने जिस जैसे लोगों को सम्मानित किया, ऐसे लोगों को गली गली से ढूंढ के लाया है, जो सिर्फ पैसे के बल पे लोगों की हेल्प किया, ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसे काफ़ी अवार्ड फंक्शन हो चुके हैं जहाँ पे लोगों ने पैसे से हेल्प किया था या फिर काफ़ी बड़े नाम हैं उन्हें सम्मानित किया गया,
मानव विकास की टीम ने ऐसे ऐसे लोगों को ढूंढा है जो गली में छिड़काव से लेके छोटा मास्क बांटने तक का हेल्प किया है, उन्हें समझ के ये बहुत बड़ी बात है। तो आपने भी कोरोना काल में जैसे हम देख पाए हैं अगर अनाज किट हो या हर तरह की संभव मदद आपने भी लोगों की की है, तो वो मदद आपने करते समय आपने कितना ध्यान रखा कि एक जो जरूरत है जरूरतमंद तक ये सामान पहुँच सके, और अभी भी आप किस तरह से समाज सेवा में अपने कार्यों के साथ साथ आप इसमें तत्पर रहते हैं? देखिए मैं काफ़ी चीज़ें किया, मैं स्टार्ट किया था कच्चा अनाज से कि कच्चा अनाज घर पे जाए तो कुछ समय उनके घर की स्थिति चल सकती है। ये करते करते मैंने एक वर्ग को देखा था जो मुझे खुद को ये खुशी मिली कि मैंने यह काम शुरू किया तो बहुत अच्छा गया। मैंने देखा दो महीने बाद, क्योंकि दो महीने बाद सब कुछ बंद हो चुका था, मंदिर बंद हो चुका था, जो ब्राह्मण थे जो मंदिरों में पूजा पाठ करते थे, आप लोग मेरे सोशल मीडिया पे देखेंगे तो उन ब्राह्मण के पास कुछ नहीं था, और ब्राह्मण एक ऐसी जाति थी जो जाके हाथ नहीं फैला सकती थी, जो पूजा पाठ या कर्मकांड करते थे। मैंने शुरुआत उनकी की कि हम हमारे विधानसभा से शुरुआत करेंगे कि जितने भी इस विधानसभा में ब्राह्मण हैं, मैं अगर मेरे सबसे पहले मैं मानव विकास संस्था के सभी पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ, उनको आभारी भी हूँ कि उन्होंने इस कोरोना काल में जिन्होंने बहुत काम किया, वैसे बहुत लोगों ने काम किया लेकिन जो इनके नज़र में आए उनको इन्होंने सम्मान दिया, उसके लिए मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ संस्था का। और दूसरी बात ये थी कि इस संस्था ने मुझे यहाँ बुलाकर और अन्य माननीयगणों को बुलाकर जो लोगों का सम्मान करवाया, और हमें एक गौरव का महसूस, एक प्राउड मोमेंट हमारे लिए था कि हमने ऐसे वॉरियर्स का सम्मान किया जिन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया। और अच्छा लगता है कि जैसे राजनीतिक से जुड़े हुए लोग और राजनीतिक करने वाले लोग जब इनके साथ समाज के लोग को जब जुड़ते हैं और समाज के प्रगति के लिए जब आगे आते हैं और लोगों के दुख दर्द में आगे आते हैं तो इससे हमारा भी हाथ मजबूत होता है, और इसी को बोलते हैं कि सबकी सेवा देश की सेवा। प्रोत्साहन तो मिलता ही मिलता है, खुशी इस बात की मिलती है कि लोग आपके किए हुए काम की सराहना करते हैं और आपको उस वजह से और प्रोत्साहन मिलता है कि आप और लोगों के लिए काम कर सकें, ताकि कोरोना काल के साथ साथ नॉर्मल टाइम में भी लोगों को जो है जिन लोगों की मदद करनी है वो आप कर सकते हैं। और हमारी पार्टी जो RPI है, हमारा उद्देश्य यही है कि जो निम्न तबके के, देखिए पिछले आठ महीने से कोरोना काल ने जिस तरह से मानवता की परीक्षा ली है, हमारे सब्र की परीक्षा ली है, हमारे उस धैर्य की परीक्षा ली है जिसके लिए हम जाने जाते थे। लोगों को घर चलाना मुश्किल हो गया, रोजगार बंद हो गया, आना जाना बंद हो गया, ऐसे में लोगों के सामने कई प्रकार की समस्याएं आई जिसमें कई संस्थाओं ने आके काम किया, लेकिन मानव विकास संस्था ने जिस तरह से अपनी टीम को लेकर के, चाहे वो घरों में राशन देने का काम हो या सैनिटाइजेशन करने का काम हो, डटे रहे लोग। मैं भी एक मीडिया के कर्मी के रूप में इस खबर को कवर करता रहा कि मैंने देखा कि अगर संस्थाओं ने इस तरह से काम नहीं किया होता तो शायद देश में लोगों की जो मौत का आंकड़ा है बहुत ज़्यादा होता। कई लोग जब पैदल जा रहे थे भूखे तड़प के कारण, अगर उसमें लोग रुके तो उसके लिए संस्था, जो संस्था आज कोरोना, जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनको चुन चुन के जो एक्चुअल जो कार्यकर्ता है वो कार्यकर्ताओं को आज सम्मानित किया गया है। बड़े बड़े लोगों को तो सभी सम्मानित करते हैं, मगर जो सच्चा कार्यकर्ता है, जो आज ग्राउंड लेवल पर ग्राउंड वर्क करता है, उन लोगों को आज सच्चे दिल से सम्मानित किया गया है। मुझे लगता है शायद ये प्लेटफॉर्म छोटा है बड़ा है, मगर जो सोशल वर्क करने वाले लोग हैं उनको ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रमों से मोटिवेशन मिलता है, और निश्चित तौर पर मुझे विश्वास है कि आज हमने जो 15-20 लोगों को जो अवार्डी दिए हैं, निश्चित तौर पर आने वाले समय में एक बहुत बड़े समाज सेवक के रूप में आपको इनको देखने मिलेगा। मानव विकास संस्था को क्या कहना चाहेंगे, आज मानव विकास संस्था ने जो ये आयोजन किया था कोरोना योद्धाओं को सम्मान का, किस तरह आप देखती हैं और कितना अच्छा लग रहा है कि आपको इसी अवार्ड से सम्मानित किया गया, और आपने किस तरह से कार्य किया कोरोना काल में लोगों के लिए? सबसे पहले मानव विकास संस्था का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमें इस लायक समझा और ये कोरोना योद्धा अवार्ड दिया है। मेरा ऐसा समझना है कि हर इंसान जो आज जीवित है वो खुद एक कोरोना योद्धा है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जिन्होंने समाज सेवा किया है वही एक योद्धा है, जो आज जीवित है वो भी इस कठिन समय से आज गुजरे हैं और वो खुद भी एक योद्धा है।
मैं उम्मीद फाउंडेशन की फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ और मैंने बहुत कम आयु 10 साल की उम्र से मैंने सामाजिक सेवा शुरू की थी और आज मैं जस्ट 27 साल की हूँ। लेकिन इस जो समाज सेवा जो है ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ कोरोना समय में शुरू किया है, मैंने कम आयु से इसलिए शुरू किया है कि संस्थाएं तो बहुत हैं लेकिन जिन बच्चों तक वो पहुंचना चाहिए वो पहुंचते नहीं हैं। हर किसी को स्कॉलर्स और टॉपर्स चाहिए होते हैं और मुझे हमेशा एवरेज स्कोरर्स चाहिए होते हैं क्योंकि मेरा मानना है कि बच्चे एवरेज होते नहीं, उनके वक्त हालात उनको एवरेज बना देते हैं। मुंबई के लगभग 450 ऐसे बच्चे हैं जिनको मैं सपोर्ट करती हूँ और इस कोरोना काल में हम लोगों ने करीबन 25,000 से ज़्यादा ऐसी फैमिली है जिन्हें सपोर्ट किया है, चाहे वो फैमिलीज हो, आर्टिस्ट हो, कोई भी हो। मुझे लगता है कि हर किसी की ज़रूरत जो है वो पूरी होनी चाहिए और हम तो कोरोना योद्धा है ही, समाज सेवक है, लेकिन हमारे साथ साथ आप मीडिया वाले भी एक समाज सेवक जो है। एक कोरोना काल में आप बाहर निकल के लोगों की खबरें जो है हर किसी तक द्वारा कोरोना कर्मा योद्धा अवार्ड से सम्मानित किया गया है, कितनी खुशी इस बात की और इस अवार्ड कितना प्रोत्साहन और बढ़ाता है लोगों के लिए कार्य करने में। जैसे कि हम सब जानते हैं कि न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरे विश्व में कोरोना महामारी ने अपना कहर ढा दिया है, लेकिन मैं ये बात कहना चाहूँगा कि कोरोना काल में हिंदुस्तान में जो विशेषता, जो विशेष रूप देखा गया है कि हिंदुस्तानी सबसे ऊपर मानवता और इंसानियत को अपना धर्म मानता है, तो इस महामारी के समय में भी मेरे जैसे कई सारे कोरोना योद्धा आज घर से बाहर निकलकर उन्होंने लोगों की सेवा की और किसी ने किसी के लिए कोई उपकार नहीं किया है। यह हमारा धर्म है, यह हमारी इंसानियत है कि हम लोगों की मदद करें और अपने योग्य जो हो पाए वो लोगों की सहायता करें। तो इसी तरह मेरे जैसे कई सारे लोगों ने कोरोना काल में ढेर सारे समाज सेवा के कार्य किए, तो मैं उन सभी लोगों का दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा और विशेष तौर पे मैं उनके परिवार को धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि अगर मेरे परिवार ने मेरा समर्थन नहीं किया होता होटल में। एंड थैंक यू सो मच। जो फाउंडर है हमारे जितेंद्र सर, बहुत अच्छे आदमी है, प्रेस में है और साथ साथ में अच्छे इंसान भी है। ये दोनों जो राम लक्ष्मण का जोड़ी है, एक जितेंद्र सर और एक सावन जी, एक राम राम लक्ष्मण है, दोनों ऐसे ही काम करें। मेरे केजे टॉकीज, मेरे दादा साहेब फाल्के आइकनों पर फिल्म्स, मेरे कल्याण जी जाना यूथ फाउंडेशन, ये सब आपके साथ हैं, मेरे तमाम लोग आपके साथ हैं। और बस इतना ही बोलना चाहता हूँ मैं कि बड़ा आदमी नहीं, छोटा गरीब आदमी हूँ, लेकिन थैंक यू सो मच फिर से जितेंद्र सर को और मेरे भाई, मेरे जान कॉमेडियन, मेरे लाल जितेंद्र सर को, थैंक यू सो मच। हमारे बीच आए हैं, मेरे सामने नहीं आ रहे, वीरू जैन और मेरे केजे टॉकीज के एसोसिएट पार्टनर और साथ में मेंबर केजे टॉकीज के हमारे प्रदीप जैन सर जो हमारे पीछे खड़े हैं, एंड थैंक यू सो मच तमाम जो मीडिया पर्सन यहाँ पर आए हैं। कल प्रिया जी मेरे साथ में थे, अखिलेश जी मेरे साथ में थे, हमारे शैलेश जी मेरे साथ में थे, मेरे भाईजान भाई मेरे साथ में थे, मेरे भाईजान कहाँ हैं, सब मेरे साथ में थे, भाईजान वो साहिल भाई, जीतू भाई, सब आप लोग साथ में थे। तो कल बहुत अच्छा लगा था हम लोग घाटकोपर में, और शैलेश भाई को मैंने बोला था भाई मुझे कुछ लीज दे देना 24 को, हमें आपको सभी को मीडिया को अवार्ड देना है, तो थैंक यू सो मच 24 के लिए अवार्ड चुन रहे जिसको प्रेस वालों को देना है, अखिलेश भाई और प्रिया मैम। आपको मानव विकास संस्था की तरफ से कोरोना कर्मा योद्धा अवार्ड से सम्मानित किया गया है, किस तरह से सम्मान आपको और भी आगे कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है? मैं बहुत अच्छा, मैं बहुत खुश जैसे वो मुझे ऐसा एनजीओ में मानव सेवा कि उन्होंने मुझे बुरा के यहाँ पे मान सम्मान दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा मुझे वैसे। वो आज मैं यहाँ पे इतने इवेंट में जा रहा हूँ, मैं इतना एनजीओ में सब में अवॉर्ड में जा रहा हूँ, जो यहाँ का इतना इनका साफ सफाई है, इतना अच्छा मैंने सब कुछ दिया हुआ किया हुआ उन्होंने, बहुत अच्छा लगा मुझे। वो समझिए जो यहाँ के उनके अध्यक्ष है, वो उनका भी मेरी शुभकामना हमेशा रहेगी कि आगे चल कर और भी अच्छा काम करे। उनका जो टीम है वो अच्छे है, लेडीज सब है, उन्होंने बहुत मेहनत की हुई है कोरोना के समय पर। वैसे मैं आपको अपनी पहचान देने चाहूँ, हमें मेरा नाम प्रदीप जैन है, मैं मना से हूँ, हर गुरुवार को साईं बाबा के यहाँ पर मैं खाना खिला रहा हूँ, हर गुरुवार कम से 6 साल हो गए मुझे। इसके साथ साथ में अरे हमारे कृष्णा मंदिर है जू पर है, साल में 2 बार 14 जनवरी और 15 जनवरी को मैं वहाँ से खाना लेके आ रहा हूँ 25,000 के आसपास, वो भी खाना यहाँ पे पूरा मुंबई साइड में यहाँ पे वितरण कर रहा हूँ मैं। जैसा ये एक्चुअली सबसे पहले तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे इस प्यारे से ओकेशन पे इनवाइट किया गया, एंड बहुत अच्छा लगता है हमें जब लोग इस तरीके का काम करते हैं, तो मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ पे आके
थोड़ी लेट हो गई मैं, बट लोगों ने उतना ही सम्मान दिया, इतनी ही रिस्पेक्ट की, और बहुत अच्छा लग रहा है कि आज भी हमारे देश में कुछ इस तरह के लोग हैं जो ऐसे कार्य को कर रहे हैं, और मैं बहुत खुश हूँ इस ओकेशन का हिस्सा बन के। सो थैंक यू सो मच, सबको दिल से शुक्रिया मुझे इन्वाइट करने के लिए, मुझे बुलाने के लिए। तो ऐसे ही हर साल हम आते रहेंगे और आप लोगों का मनोत्साहन बढ़ाते रहेंगे। थैंक यू। अपना परिचय।